The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे पेशाब के ओडर की, यूरिन ओडर। अगर आपको आपके पेशाब में गंदी स्मेल आती है, फाउल स्मेलिंग यूरिन, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, उसके क्या पोटेंशियल रीजंस हैं और क्या क्या प्रकार की स्मेल आ सकती है, आज इसके बारे में जानेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत कॉमन है और बहुत कॉमन कारण भी है इसका। आप सुन के अचंभित हो जाएंगे कि अरे इतना सा कारण। हाँ जी बिल्कुल, इतना सा कारण, और इसके काफ़ी सीरियस कारण भी होते हैं। तो विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम। कीप लाइकिंग द चैनल एंड कीप लाइकिंग द वीडियोज, शेयर द वीडियोज टू एवरीबॉडी, दैट्स योर जॉब। ओके, सो यूरिन ओडर मतलब जो आपके यूरिन से आने वाली गंध है। अब गंध दुर्गंध है, सुगंध है, हमें नहीं पता, गंध है। सो यूरिन ओडर वेरी करता है, सबका एक बराबर नहीं होता। ज़्यादातर में यूरिन में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओडर नहीं होता है। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप खूब पानी पीते हैं, तो यूरिन में बहुत स्ट्रॉन्ग ओडर नहीं होता है। पेशाब आपका लाइट येलो या वाइट कलर का होके बिल्कुल ओडरलेस हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग ओडर नहीं, और माइनर ओडर हो सकता है। मोस्ट कॉमन कारण क्या है फिर किसी एक नॉर्मल आदमी के यूरिन में ओडर, यानी यूरिन में, पेशाब में स्मेल आ जाने का? मोस्ट चेंजेस जो होते हैं यूरिन के ओडर में, ये कोई मेजर बीमारी के कारण नहीं होते, सबसे पहले तो ये समझ लो, और ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। पेशाब में अगर आपके दुर्गंध आ रही है तो ये कोई मेजर बीमारी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये खाने पीने में कुछ पदार्थों से बदल सकते हैं, दवाइयों से बदल सकते हैं, दवाइयों का, विटामिन्स की गोलियों से आपके यूरिन में कलर और ओडर आ सकता है, और यहाँ तक के आप मान लीजिए एस्पैरागस जैसी चीज़ खा लें, एस्पैरागस एक प्लांट है, वो खा लेंगे तो आपका यूरिन में डिस्टिंक्ट ओडर आएगा। और ऑब्वियस सी बात है, पेशाब में दुर्गंध बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से भी आ सकती है। एंड स्वीट मीठा मीठा पेशाब में अगर स्मेलिंग आ रही है, स्वीट स्मेल, तो वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के वजह से आ सकती है। अमोनिया जैसी स्मेल आती है फिर उसमें, सो कीटोन्स की स्मेल आती है, कीटोन्स की, अमोनिया की। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में रेयर होता है, लेकिन होता है कि यूरिन में ऐसी दिक्कतें कई लोगों में हो जाती है। और लिवर डिजीज़ में भी आपको मस्टी स्मेलिंग यूरिन आएगी, जिसको अमोनियम बोलते हैं। अमोनियम स्मेल मस्टी, और स्वीट यानी कीटोन्स, दैट्स आर द थिंग, दोज आर द थिंग। तो कीटोन आएगा काय में, आएगा डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ में जब शुगर लेवल बढ़ जाएगा, शरीर के सेल में शुगर नहीं जाता है, तो सेल्स फैट यूज़ करते हैं, फैट यूज़ करते हैं तो कीटोन बनते हैं। कीटोन खून में ज़्यादा हो जाते हैं, पेशाब में निकलते हैं, पेशाब से बाहर निकल के उसमें कीटोन की स्मेल आती है, मीठी मीठी खुशबू आती है। और वैसे ही डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर भी होता है यूरिन में, तो मीठी मीठी खुशबू आती है। और लिवर की बीमारी में अमोनिया शरीर में जमा होता है, खून में जमा होता है, अमोनियम निकल जाता है। अमोनियम कहाँ निकलेगा? पेशाब में, तो उससे दिक्कत होगा। सम कंडीशन दैट कैन कॉज चेंजेस इन यूरिन दैट इंक्लूड्स ब्लैडर फिस्चुला। कैसे? ब्लैडर फिस्चुला मतलब यूरिनरी ब्लैडर में अगर आपका एक सुरंग बन गई है, जैसे अगर ब्लैडर को बॉवल से कनेक्ट कर रही है, यानी कि आपका पेशाब की थैली लैट्रिन के रास्ते से कनेक्ट हो रही है, तो कभी कभी लैट्रिन का सामान पेशाब के थैली में आ रहा है तो स्मेल और बुरी हो जा रही है। ब्लैडर में ये एक फिस्चुला बन गया, फिस्चुला छोड़ दो, ब्लैडर का इन्फेक्शन भी हो सकता है, पेशाब की थैली का इन्फेक्शन। और सबसे कॉमन कारण भैया जो हमने बताया वो है डिहाइड्रेशन। आपने पानी कम पिया, आपका पेशाब गाढ़ा आ रहा है, पेशाब से स्मेल आ रही है, कॉन्सनट्रेटेड यूरिन है, बिकॉज आपका शरीर पानी बचाने की कोशिश करेगा। कॉन्सनट्रेटेड यूरिन कैन स्मेल लाइक अमोनिया, याद रखिए, कॉन्सनट्रेटेड यूरिन कैन स्मेल लाइक अमोनिया। और पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज
एक और रीजन है, अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, जैसा हमने बताया लिवर फेलियर, कीटोन यूरिया, ये सब चीजें होती हैं। सो आप कब अस्पताल जाएंगे या डॉक्टर को दिखाएंगे या चेकअप कराएंगे? अगर आपके यूरिन के स्मेल के साथ, एब्डोमल स्मेल के साथ एबनॉर्मल कलर भी है, या फीवर है आपको, चिल्स हैं आपको, बर्निंग हो रही है पेशाब में, आपको बैक पेन हो रहा है, तो आप अपना चेकअप कराएंगे। आप चेकअप में डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर आपका सिंपल सिंपल सोबर, दो ही टेस्ट है, मात्र दो, केवल दो टेस्ट से आपका पता चल जाएगा कि यूरिन में क्या इशू है। एक तो यूरिन एनालिसिस होगा, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी जिसको बोलते हैं, और यूरिन कल्चर, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो ग्रो हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा किस प्रकार का क्या है। तो यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर, ये दो टेस्ट के रिपोर्ट आ जाते हैं, हमें पता चल जाएगा आपको क्या बीमारी है, उसी के हिसाब से फिर आपको दवा दे दी जाएगी। बहरहाल फिलहाल बिना एंटीबायोटिक के, बिना, याद रखिए यूरिन में अगर आपको इन्फेक्शन लग रहा है तो यूरिन के जो एनालिसिस कराए बगैर डायरेक्ट एंटीबायोटिक मत खा लीजिएगा। अगर आपको डाउट भी है कि भाई मेरे को यूरिन में इन्फेक्शन है, चलो मैं क्या करता हूँ, नॉरफ्लॉक्स टीजेड खा लेता हूँ और नाइट्रोफ्यूरोंटाइन ले लेता हूँ, ऐसा वैसा, बहुत लोगों को थोड़ा नॉलेज होता है, बहुत लोगों के जो होते हैं पैर होते हैं वो जाके डायरेक्ट केमिस्ट से जाके पेशाब में, पेशाब का इन्फेक्शन हो गया दवा दे दो, ऐसा बोल देते हैं। केमिस्ट भाई साहब को अपनी दवा बेचनी होती है वो भी दे देते हैं, तो ऐसा काम ना करें। फिर क्या होगा, एक दो गोली खा ली, फिर उसके बाद यूरिन एनालिसिस भी नॉर्मल, कल्चर भी नॉर्मल, फिर हमें पता ही नहीं चलेगा आपके अंदर क्या हुआ था। टेक्निकली आपका यूरिन एनालिसिस, सुबह सुबह का पहला यूरिन का, मिड स्ट्रीम यूरिन का आपको निकालना होता है चेकअप के लिए। मिड स्ट्रीम यूरिन का मतलब होता है पेशाब, सुबह सुबह जो पहली यूरिन है, आपने बोतल ले लेनी है यूरिन कलेक्शन वाली, मैं लैब से या मेडिकल स्टोर से, उसको घर पे लाके रखिए। सुबह जो पहला यूरिन आ रहा है, यूरिन आने दीजिए, आते हुए बीच में से थोड़ा सा यूरिन का सैंपल ले लेना है, उस सैंपल का यूरिन एनालिसिस, उस सैंपल का यूरिन कल्चर होना चाहिए। स्टराइल सैंपल होना चाहिए, मतलब पैकेट से बोतल को तभी खोलिए जब इस्तेमाल, पहले खोल के देखो कैसी बोतल है, ऐसे काम नहीं करना, इन्फेक्ट हो जाएगी, फायदा कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो यूरिन एनालिसिस के लिए फर्स्ट सैंपल होना चाहिए यूरिन का, ये सबसे अच्छा होता है। अगर नहीं भी हुआ फर्स्ट सैंपल तो थोड़ा सा स्पेसिफिसिटी कम हो जाएगी, लेकिन बेस्ट इज फर्स्ट इन द मॉर्निंग। सेकेंड, याद रखिए एंटीबायोटिक्स यूरिन सैंपल देने के बाद आप खा सकते हो, अगर आपको एम्पिरिकल एंटीबायोटिक लेना है कि नहीं चलो यूरिन कल्चर तो 2-3 दिन बाद आएगा, वो तब तक थोड़ी बैठे रहेंगे, मेरे को तो जलन भी हो रही है, मेरे को तो बुखार भी हो रहा है, एंटीबायोटिक दे दो डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर दे देगा, लेकिन टेक्निकली आपको वो यूरिन सैंपल देने के बाद खाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट याद रखिए, समझिए तभी आप आगे समझ पाएंगे कि आगे का क्या हिसाब है। और यूरिन कल्चर आने के बाद जरूर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि उसमें क्या था, बैक्टीरिया था और कौन सा था और कितना था, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चेंज होगा। और डायबिटिक हैं तो डायबिटीज कंट्रोल करें, और डिहाइड्रेटेड हैं तो पानी। फिलहाल होम रेमेडी में पानी खूब सारा पीजिए, क्रेनबेरी जूस बहुत अच्छा है यूरिन के लिए, और एक अल्कलाइजिंग एजेंट आप ले सकते हैं। अल्कलाइजिंग एजेंट में अल्कासॉल जैसे सिरप है, सोडा बाइकाप थोड़ा सा मिला के पी सकते हो, आप क्या बोलते हैं उसको, बेकिंग सोडा थोड़ा सा पानी में डाल के पी सकते हो, ऐसी चीज़ें भी पी सकते हो जो यूरिन को थोड़ा अल्कलाइन करेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये टेम्पररी मैनेजमेंट है, तो जलन वलन थोड़ी सी इससे ही ठीक हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली हमें देखना होता है कि यूरिन में बैक्टीरिया कौन सा है कि नहीं है। अगर फिर भी ब्लड आ गया मान लो यूरिन में इन सब के साथ, तो ब्लड आने पे आपको अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड KUB। KUB से हमें ये बहुत ज़रूरी जानकारी मिलेगी कि कहीं कोई पथरी तो नहीं है, क्योंकि अगर इन सब के साथ एक पथरी आ जाती है तो ये तो होगा ही कि चलो ये अल्कलाइजर दो, चलो भाई इन्फेक्शन तो नहीं है, चलो भाई एंटीबायोटिक देना तो नहीं है, लेकिन पथरी के साथ फिर पथरी की दवा देनी पड़ जाएगी, जैसे कि थोड़ा सा पेशाब की नली डायलेट होके पथरी निकलने के चांसेस हो, अगर पथरी छोटी है, 1 mm से छोटी है, अगर बहुत ही बड़ी है और वो किडनी पे सूजन करके बैठी है, किडनी में दर्द हो रहा है, किडनी में डैमेज हो रहा है, तो समय पे डायग्नोस हो जाएगा, किडनी बच जाएगी, ठीक है। चाहे उसका फिर आप लिथोट्रिप्सी करा लीजिए, शॉक वेव से पथरी को चूरा चूरा कर लीजिए, चाहे आप उसमें ऑपरेट करवा के पथरी निकलवा लीजिए, लैप्रोस्कोपिक भी होता है और ओपन ऑपरेशन भी होता है। तो टेक्निकली देखिए एक छोटी सी चीज से कहाँ पहुंच गए, इसी तरह से इलाज होता है, इसी तरह से आपको लोगों को शेयर भी करना है, कम से कम 10-12 लोगों को जरूर इसको शेयर करिए वीडियो को, और अपने सवाल जो आप चाहते हैं वो जरूर हमसे पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।